नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में सामने आया नया वीडियो, लाठियां जमा करके दिखे लोग, उपद्रवी स्थानीय लोगों के साथ झड़प की भी आई तस्वीरें। दिल्ली पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में दंगों के पीछे साजिश का शक, अब तक 25 की गिरफ्तारी, हथियारों को लेकर तफ्तीश भी तेज, स्पेशल सीपी बोले हालात नियंत्रण में है। दिल्ली हिंसा पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा शोभा यात्रा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। मिशन गुजरात पर पीएम नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन, बनासकांठा में डेयरी प्रोजेक्ट समेत कई प्लांट का लोकार्पण, मोदी ने लोकल फॉर वोकल का दिया नारा। यूक्रेन में परमाणु हमले का अलर्ट, राष्ट्रपति जेलेंस्की का डर कभी भी हो सकता है एटमी हमला, लवीव पर पहली बार बरसी रूसी मिसाइलें। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में निभाए सामाजिक सरोकार, जैन संत हीराचंद से भी की मुलाकात, पिपार में की जनसुनवाई, कहा 50 सालों से अधिक समय तक रहा काशीराम विश्नोई से रिश्ता। दिल्ली में जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा के लिए अहम बैठक, संगठनात्मक मुद्दों और चुनाव को लेकर दिया मंत्र, वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, सतीश पुनिया, चंद्रशेखर सहित कई नेता मौजूद। गुलाबचंद कटारिया का विवादित बयान, बोले रावण ने सीता को किडनैप कर नहीं किया कोई बड़ा गुनाह, खाचर अब्बास का पलटवार, कहा जो भगवान राम मां सीता का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी में दर्दनाक हादसा, पिकअप पलटने से महिला समेत 9 लोगों की मौत, लोहारगल से वापस लौट रहे थे एक ही परिवार के सभी लोग। सरिस्का में उम्रदराज टाइगर ST6 की मौत, करीब 2 साल से एनक्लोजर में चल रहा था इलाज, उम्र ज्यादा होने के कारण नहीं हो सकी रिकवरी।